दोस्तों, आज का व्लॉग करते शुरू। तो आज मैं आया हूँ अपनी फूफो की तरफ, क्योंकि आज थर्सडे और आज उन्होंने जाना है मुल्तान से सऊदी अरब। तो बस थोड़ी देर में यहाँ से 2 o'clock तक वो लोग निकलेंगे बाई रोड। तो पहले उनकी थी 12 o'clock फ्लाइट मुल्तान से, तो फिर हुई उनकी 7 o'clock, डिले हो गई काफ़ी, और फिर अब 7 o'clock से डिले हुई 10 o'clock तक। तो अब वो 2 o'clock निकलेंगे मुल्तान से बाई रोड, और फिर वहाँ से 10 o'clock उनकी फ़्लाइट है। तो चलें बस थोड़ी देर में वो लोग निकलते हैं और फिर उनको अल्लाह हाफिज़ करते हैं। Ramadan ni mwezi mmoja uliosakidwa na miezi yote mulizokoma mu Ramadan, tieni tiulandile na miezi yote zokoma mu Ramadan, tieni tiulandile. वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आयत मैं आप अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि आज सिर्फ आयत, मेरी फूफो और मेरे अंकल जा रहे हैं, मोमिन भाई और उनकी सिस्टर नहीं जा रही। तो आयत, आपको कैसा लग रहा है अपने भाई बहन के अकेले जाने से? वैसे तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं फील हुआ, बट जैसे टाइम गुजरता जा रहा है थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि आपके भैया के बगैर कैसे। बट इंशाल्लाह, मैं पहले भी 2 बार जा चुकी हूँ अपने पेरेंट्स के साथ सिर्फ आप ही भैया के बगैर, तो इंशाल्लाह इस बार भी। और वैसे भी क्योंकि पिछले 3 साल जो कोरोना रहा है उसकी वजह से मैं 3 साल नहीं जा सकी। वो आप ही भैया और मामा तो एक दफ़ा चक्कर भी लगा चुके हैं। तो आए ना कि आप ही और भैया भी नहीं कहा कि नहीं आए ना जाए, आप ही का तो काफ़ी, क्योंकि आप ही का तो फिलहाल बहुत ही दिल कर रहा है कि वो जाए। हाँ, भैया का भी दिल कर रहा है बट आप ही से थोड़ा सा कम, बट अब तो हो गया। अच्छा, दोनों में से कौन ज़्यादा खुश है कि हाँ जल्दी जल्दी ये लग जाए? दोनों ही दिल से बहुत खुश है। चलो, आज आपका रोज़ा है? नहीं, आज मैंने नहीं रखा क्योंकि आज सफ़र करना था ना। तो वैसे ही आप कितने अभी तक रोजे रखे हैं? मैंने अभी तक, आज 12th रोजा है ना, मैंने 11 रख लिया। तो ये है मोमिन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मोमिन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूं। तो आज आप क्यों नहीं जा रहे अपनी मदर के साथ और आयत के साथ सऊदी अरब? मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हैं, इस वजह से मैं नहीं जा रहा। तो मुंबई आप कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम गए थे, तो आपको क्या चेंज लगा वहाँ सऊदी अरब में? बिल्कुल चेंज था, पहले काफ़ी रश वगैरह, अब तो माशाल्लाह दोबारा रश हो गया है। तो चेंज ये था कि अब आप पहले आप जब मर्जी दिल जाता था आप रोज़ा मुबारक पर जाते थे, नाउ इट्स टोटली डिफरेंट। आप अब जाएँ अपना अपॉइंटमेंट लेके, बट आई थिंक सो बेटर, ये बेहतर है उससे, क्योंकि पहले आप इतने रश वगैरह में जाते थे, इतना क्राउडी, बहुत ज़्यादा ना मसला होता था। अब आप जाते हैं, इजी हो के आप जाएं, अपॉइंटमेंट पे जाएं, आप सोशल डिस्टेंस के साथ खड़े होते हैं और फिर आप अपनी इबादत करते हैं। आई थिंक सो इम्प्रूव हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं भी ठीक। तो अंकल, आज आप कितने मतलब टाइम बाद जा रहे हैं सऊदी अरब? यार, आफ्टर लॉन्ग टाइम, 3 years के बाद जा रहा हूँ। अच्छा। कोरोना से पहले गया था, कोरोना के दौरान नहीं जा सका, और अब वरना तो हर साल अल्लाह मियाँ अपने घर बुलाते थे,
लेकिन बस कोरोना में जो है ना वो मिस हुआ है, तो अब इंशाल्लाह अल्लाह ख्याल करे और कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अपने घर में बार बार बुलाए। तो अंकल कैसी फीलिंग आ रही है कि आयत आपके साथ जा रही है और मोहन भाई नहीं जा रहा? जाहिर है बच्चे पूरे हों साथ तो फिर बंदा ज़रा मुकम्मल होता है, पीछे की फिक्र नहीं होती, अब उसकी थोड़ी फिक्र रहेगी। दूसरा ये है कि वो ज़रा भाग दौड़ के ये कोई चीज़ लानी ले जानी सारे मामला देख लेता होता है, अब जो है वो मुझे खुद करना पड़ेगा। अच्छा तो अच्छा लगता है उसके साथ जाना, जवान और रात का फायदा होता है ना। तो कितने दिन का आपका स्टे है? ये इंशाल्लाह 25 को हम वापस आएंगे। तो ये हैं ड्राइवर अंकल आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद रफी। अच्छा तो आपको, मैंने तो आपका नाम सुना है मक्खन, मक्खन वैसे मक्खन भी कहते हैं, वैसे मेरा नाम रफी। अच्छा तो आप कितने टाइम से ड्राइविंग कर रहे हैं? बेटा मैं कोई तकरीबन 96 का चला रहा हूँ। अच्छा तो कब से आपने मतलब सर अजमल और आयत वगैरह को जाना? ये तकरीबन सर 5 साल हो गए। अच्छा तो आप जब भी ये लोग मतलब बाहर जाते हैं एज अ ड्राइवर आप ही जाते हैं? जी इंशाल्लाह मैं। तो चलें अब यहाँ पे कितना टाइम लगेगा आपको? 3 घंटे लगेंगे सर मुल्तान। तो चलें अब आप चलें, थोड़ी देर में ही बस अंकल वाले आते हैं फिर निकलते हैं। ठीक है सर। आप भी जा रहे हो? आप लोग मतलब आपको कामयाबी दे, आपका उम्रा आसानी पैदा करे और कबूल फरमाए, आना जाना सफर आपका आसान हो, मान में रख के लेके जाए, याद रखना हमें दुआओं में याद रखना और रखिए बता हमें भी बुलाए। अल्लाह Ramadan ni mwezi mmoja uliosakiwa na miezi yote mulizokoma, Ramadan tieni tiulandile. Guys abhi अंकल आयत और फूफो चले गए हैं, तो अभी मेरे सर आ चुके हैं, तो अब चले अब अफ्तारी पे मिलते हैं। आज अफ्तारी में मैंने मोम भाई और उनकी सिस्टर को इनवाइट किया है क्योंकि आज उनकी उनकी मदर फादर और उनकी सिस्टर चली गई हैं, तो इसलिए आज मैंने उनकी उनको दावत दी है अपने घर इफ्तारी के लिए। तो चले अभी मैं मोमिन भाई वालों के साथ गया था बाहर काम से, तो अभी हम आए हैं और सिर्फ 2 मिनट रह गए इफ्तारी खुलने में, तो हम जल्दी जल्दी अब जा रहे हैं। तो चलें, मोमिन भाई कह रहा था गाड़ी खड़ी करके फिर जाना है, तो चलें मोमिन भाई। जैसे कि मैं अरब को बताया था कि मोमिन भाई को आज मैंने अपने घर दावत दी हुई है इफ्तारी के लिए, तो चलें चलते हैं। तो गाइस
इफ्तारी कर ली है। तो मोमिन भाई, आपको इफ्तारी कैसे लगी? कैमरा अपनी बहुत अच्छी। तो अगर आप हमें बताएं कि फूफो वाले कहाँ पहुँच गए हैं? वो लोग मुल्तान पहुँच गए। तो चलें, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर चैनल पे न्यू है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।